रायदास के पद। अब कैसे छोटे राम नाम रट लागी, अब कैसे छोटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनी मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। सो इन पंक्तियों में या इन काव्यन इन काव्य खंड में रैदास जी कहते हैं कि वो अपनी भक्ति को व्यक्त कर रहे हैं। रैदास जी इन पंक्तियों में अपनी भक्ति को व्यक्त कर रहे हैं। तो रैदास जी कहते हैं कि किस तरह वो राम के भक्ति में मग्न है, वो यहाँ पर उसका वर्णन दिया गया है। तो रैदास जी कहते हैं प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु मेरे मन में जो आपके नाम की रट लगी है वो कैसे छूट सकती है। तो चैंटिंग वो कर रहे हैं भगवान का नाम का, राम के नाम का, वो कैसे छूट सकती है। हाउ कैन इट बी गिवन, तो इट कैन बी गिवन, इट कांट बी गिवन। अब मैं आपका परम भक्त हो गया हूँ, जिस तरह चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, नो सैंडलवुड के उसको अगर पानी में डिप करके रखोगे तो चंदन का स्मेल जो है पानी में फैल जाता है, उसी प्रकार मेरे तन मन में आपके प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है। उसी प्रकार जो भक्ति की भावना है वो रैदास के मन में व्याप्त हो गए, मेरे फुल हो गया है, अगर आप आकाश में छाए काला बादल के समान हो, इस ब्लैक क्लाउड्स आर देयर, नो सो यू नो व्हेन पीकॉक सी द ब्लैक क्लाउड्स दे स्टार्ट डांसिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, सो जिस प्रकार काले बादल आसमान में छा जाते हैं तो जंगल में मोर नाचने लग जाते हैं, उसी प्रकार इनका मन, रैदास का मन का वर्णन है, वो खुद कर रहे हैं कि अगर ईश्वर काले बादल के समान है तो वो जंगल में नाचने वाले मोर के समान है, जो काले बादल को देखकर झूम उठता है, नाच उठता है, जैसे बरसात में उमड़ते बादलों को देखकर मोर खुशी से नाचता है, उसी प्रकार मैं आपके दर्शन को पाकर खुशी से मुग्ध हो रहा हूँ। ओके, दर्शन पाकर वो रैदास जी बहुत खुशी से मुग्ध हो रहे हैं, प्रसन्न। उसके बाद है प्रभु जी तुम गोद ये तो हो गया, जैसे चितवत और जैसे चकोर पक्षी सदा चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, उसी भांति मैंने उसी तरह से मैं भी सदा आपके प्रेम को पाने के लिए तरसता रहता हूँ। उसके बाद है प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। तो यहाँ पर रैदास जी कहते हैं कि प्रभु अगर आप दीपक हैं, लैंप हैं, तो मैं उस दिए की बाती हूँ, लाइट हूँ, जो सदा आपके प्रेम में जलता है। नेक्स्ट लाइन है प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोहनी मिलत सुहागा, और प्रभु आप मोती हैं तो मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ, मैं उसमें थ्रेडेड हूँ। ओके, आपका और मेरा मिलन सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है, जिस तरह सोना को प्योर किया जाता है सुहागा मिलाकर उसको, उसके इम्प्योरिटीज़ को हटाया जाता है, सोने में एक अच्छा शाइन आता है, उसी प्रकार ये बता रहे हैं कि आपका और मेरा मिलन सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है। और आखिरी लाइन है प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसे भक्ति करें रैदासा। उसके बाद है कि आप स्वामी हैं प्रभु, आप स्वामी हैं और हम आपका दास हैं, ओके, आप स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ, ऐसी मेरी भक्ति है। मैंने इसमें अपने भक्ति का वर्णन रैदास जी किए हैं। ऐसी लाल तुझबिन कौनू करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे, जाकी छोती जगत कौ लागे ता पर तू ही ढरे, मिचहू उच करे मेरा गोबिंदू काहू ते न डरे।
नामदेम कबीरु त्रिलोचनु सधना सैनु तरे कही रविदासु सुनहु रे संतहु हरि जीउ ते सभय सरे। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे गरीब निवाजु गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे जाकी छोती जगत कौ लागे ता पर तुही धरे नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंदु काहू ते न डरे। नामदेव कबीरु त्रिलोचनु सधना सैनु तरे कही रविदासु सुनहु रे संतहु हरि जीउ ते सभय सरे। तो यहाँ पर रविदास जी प्रभु की कृपा के बारे में या कृपा का वर्णन कर रहे हैं। तो रविदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके बिना कौन कृपा करने वाला है, अर्थात कोई नहीं, कृपा करने वाले प्रभु हैं और कोई नहीं। आप गरीब तथा दीन दुखियों को, यानी जो दुखी हैं, बहुत दीन अवस्था में हैं, उन पर भी दया करने वाले हैं, यानी प्रभु ही उन पर दया करते हैं। ओके, और आप ही ऐसे कृपालु स्वामी हैं जो मुझ जैसे अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया है। ओके, तो गरीब कह रहे अपने आप को, गरीब निवाजु गुसैया मेरे माथे छत्रु धरे, तो मुझ जैसे नीच अछूत के माथे पर आप राजा महाराजा जैसा छत्रु को रख दिए हैं। आप मुझे राजाओं जैसा सम्मान प्रदान किए हैं। ओके, अर्थात कहने का यही है कि माथे पर छत्र रख दिए हैं, मतलब कि माथे पर राजा जैसा हाथ रखकर, माथे पर हाथ रखकर उनको भी राजाओं महाराजों जैसा सम्मान दिए हैं। जाकी छोती जगत कऊ लागे ता पर तु ही ढरे, मैं तो अभागा हूँ। रैदास जी का कहना है कि वो अभागे हैं, मुझ पर आपकी असीम कृपा हुई है। ओके, तो कृपा गॉड का है, राम जी का है, भगवान का है, तो ईश्वर का है। तो वही कह रहे हैं कि वो तो बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे इंसान है, अभागे इंसान है, मगर उन पर ईश्वर की असीम कृपा हुई है। और वो स्वामी से कहते हैं कि मुझ जैसे नीच प्राणी को इतना उच्च सम्मान प्रदान किया है। ओके, भगवान ने जैसे छोटे इंसान को इतना सम्मान प्रदान किया है। नीचहु उच्च करे मेरा गोविंदु काहू तेना डरे, आपकी दया से कबीर जैसे। अब नेक्स्ट लाइन आ गया, ये हो गया, छोटे इंसान को भी सम्मान प्रदान किए हैं। नामदेव कबीरु त्रिलोचनु सधना सैनु तरे, तो प्रभु की कृपा से कबीर जैसे जुल है, मतलब जो ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे पहले, के कबीर जैसे जुला है, त्रिलोचन जैसे सामान्य कॉमन पर्सन के, और सधना जैसे कसाई, सधना वाज कसाई, विच टू लाइक सेल एनिमल मीट, कसाई, सधना जैसे कसाई, और सैन जैसे नाई, सैन वाज बार्बर, नाई मीन्स बार्बर, संसार से सर, मैंने सक्सेस पाया। यस सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ छोटी जाति? छोटी जाति, या स्मॉल कास्ट, सामान्य व्यक्ति, स्मॉल पर्सन। कसाई का मतलब द मीट सेलर, नाई नॉन वेज मीट सेलर, या नाई इज बार्बर। व्हाट इज कबीर? कबीर इज द नेम, कबीर। तो यहाँ पर रविदास जी कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से कबीर जैसे जुलाहे, मीन्स हु हैव लेस नॉलेज ऑफ एनीथिंग, त्रिलोचन जैसे सामान्य, त्रिलोचन जैसे कॉमन पर्सन, सधना जैसे कसाई, सधना जैसे जो अपना बिजनेस में हैं, अपने काम में व्यस्त है, जो कसाई हैं, और सैन जैसे नाई, सैन जैसे बार्बर, संसार से तर गए, मैंने संसार को बहुत अच्छा नॉलेज देके संसार का रिस्पेक्ट पा लिए, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है।
और उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। कही रविदासु सुनहु रे संतहु हरिजीव हरिजीव से सबे सरे। तो संत को बोल रहे हैं रविदास जी कि संत सुनो, हरिजी सब कुछ काटने में समर्थ है, मैं सब कुछ करने में, हरिजी सब कुछ करने में सक्षम है, उनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है, मैंने कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है।